नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बहराइच में स्थानीय पुलिस ने 435 ग्राम स्मैक के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो 2,17,00,000 रुपए अंकित हुई है। यह स्मैक रुपराई डी के नेपालगंज की जा रही थी और इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक बता दें कि रुपई डीहा श्रीधर पार्थक ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बृहस्पतिवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली और इस दौरान चार व्यक्ति को रुपई डीहा कस्बे से स्मैक लेकर नेपाल की ओर जा रहे फिराक में थे। इसी सूचना पर थाना के पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर देखा और चार संदिग्ध व्यक्ति को नेपाल सीमा की ओर से ये जा रही है और साथ ही जिन्हें रोक कर इन लोगों को तलाशी ली गई है और इस दौरान तस्करों के साथ कुल 435 ग्राम स्मैक बरामद हुए हैं। पकड़े गए तस्करों की पहचान ताज बाबू उर्फ सुमीर पुत्र मोहम्मद शमी और बाबुल उर्फ मोहम्मद आमीन पुत्र मोहम्मद शमी संजय केवट के रूप में की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के कुशल निर्देशन में आज नेपाल बॉर्डर पर थाना रुपैडिया पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा इन चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 435 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2,17,00,000 रुपये है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं ये ताज बाबू हैं, बबलू, संजय केवट और दिनेश केवट, ये सभी घसियारन मोहल्ला रुपैडिया के रहने। और बहराइच की ये खबर है जहां पर बता दें कि करोड़ों रुपए के स्मैक के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान बता दें कि काफ़ी दिन से इन तस्करों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई थी, जिसके बाद से इन स्मैक तस्करों को पुलिस ने अब रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान पुलिस लगातार अभियान चलाते नजर आ रही है और जिस तरीके से स्मैक तस्करों की तादाद बढ़ रही है और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ये लगातार पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है और ये बता दें आपको कि करोड़ों रुपए के ये स्मैक तस्कर है, जिसके बाद से पुलिस ने अब इसको पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस नजर आई है। साथ ही इस दौरान ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत इनकी 2,17,00,000 रुपए आंकी जा रही है इस स्मैक की। वही बताते हैं कि ये जो स्मैक तस्कर है ये काफ़ी दिन से फरार चल रहे थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई थी और इस दौरान पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों रुपये के स्मैक के साथ इन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 435 ग्राम स्मैक इन तस्करों के पास से बरामद करती हुई पुलिस नजर आई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,17,00,000 रुपए आंकी जा रही है और इसके लिए पर पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आई है। स्मैक तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अब बड़ा रुख देखने को मिल रहा है। पुलिस अब स्मैक तस्करों पर सख्त नजर आ रही है और इस दौरान कार्रवाई करते हुए वे नजर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। महरानीपुर भीषण सर्दी में दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, इलाहाबाद, बनारस जाने वाली यात्री रेलगाड़ी है वे इंतजार में रेलवे परिसर के बाहर आग के सहारे समय निकाल रहे प्रतीक्षालय में बैठे यात्री सर्दी में अपने छोटे बच्चों के साथ बैठे रहते हैं और यात्रियों का कहना है कि परिसर के बाहर एक अलाव लगता जबकि हजारों यात्रियों का आवागमन बना रहता है। भीषण सर्दी में रेलवे प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है। आप तस्वीर में देखिए किस तरीके से ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहाँ पर झांसी के रेलवे स्टेशन पर कड़ाके की सर्दी के बीच यहाँ यात्री ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का अलाव का इंतजाम नहीं किया गया है, जिससे यात्रियों को भी राहत मिले है। और इस दौरान आप देखिए किस तरीके से यात्री अपना ही कंबल लेके आते हैं और ये कड़ाके की ठंड में वे स्टेशन पर बैठे हुए नजर आते हैं। जी आ रही ना संबंध क्रांति, इसी से जाएंगे। कितने बजे होगी? लगभग 10 बजे। जो सर्दी चल रही है समय, कैसी क्या सर्दी पड़ रही है अभी? ये सर्दी बहुत पड़ रही है सर। क्या व्यवस्था है यहाँ स्टेशन पर? यहाँ पे आग जल रही है, तेजी से पड़ रही है सर्दी।
यहाँ कौन सी स्टेशन पर बैठे हैं आप? मऊरानी पर। क्या व्यवस्था है यहाँ पर सर्दी को लेकर? यहाँ तो सही है, आग जल रही है, कार्यक्रम चल रहा है। मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिसर में लगभग 6 वर्ष पूर्व रेन बसेरे का निर्माण कराया गया था, जिसमें रात्रि कालीन मरीजों के साथ ही आए परिवारों की महिलाओं को रुकने की व्यवस्था की गई थी, जबकि लगभग 11 लाख रुपए की अनुमति लगते ही ये बना हुआ रेन बसेरा 100 पीस साबित हुआ है। यहाँ पर बता दें कि महिलाओं को भीषण सर्दी में भी रात प्रसव वार्ड के बाहर आग के सहारे रात गुजारनी पड़ी है। मौजूद महिलाओं ने बताया है कि वार्ड के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह गंदगी पसरी हुई है, बदबू आ रही है। शासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था अधिक खराब देखने को मिल रही है। और ये आपको झांसी के रेन बसेरे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार लोग परेशान हैं, लोगों को रात में अलाव के सहारे रात काटनी पड़ी है। यहां के रेन बसेरे जो हैं, यहां गंदगी पसरी हुई है, लोग काफ़ी परेशान हैं, महिलाओं को आग का सहारा लेना पड़ा और रात बाहर काटनी पड़ी है। व्यवस्था तो सही नहीं है। क्या व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पर? बेड वेड खाली पड़े, कोई उस पर कपड़े नहीं बिछे, या ना कोई चादर वादर, और गंदगी, नीचे भी गंदगी है, कोई सफाई नहीं है। कोई सफाई नहीं है। ये कौन सा अस्पताल है? सरकारी अस्पताल है, नाम नहीं है। मऊरानीपुर का है ये? हाँ, मऊरानीपुर का सरकारी अस्पताल। सर्दी को लेकर क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं आपको? कोई व्यवस्था नहीं है सर, सर्दी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक रेन बसेरा बना हुआ है आपके, आप सभी को लोगों के लिए, कोई वहाँ व्यवस्था बताई गई है कुछ? नहीं, किसी ने नहीं बताया कि यहाँ है रेन बसेरा, तो यहाँ आप ठहर जाइए। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो सर्दी के लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? कुछ नहीं, आग ताप रहे तो अपने अपने कंबल ले आए घर से, तो वो ओढ़ लेंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? अभी अस्पताल से कोई व्यवस्था। स्वास्थ्य केंद्र की रेन बसेरे की आपको तस्वीर दिखा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर उन्नाव से है, जहां एक किसान को आवारा जानवर ने हमला कर मार डाला है। और दरअसल किसान अपनी गेहूं की फसल को बचाने के लिए हर रोज किसी तरह खेतों में जाते थे, और बीती रात खेत की रखवाली करते समय अन्य जानवरों ने हमला किया है, और साथ ही इस दौरान उसे पटक दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। सुबह खेत पहुंचे परिजनों ने जब शव को देखा तो रो रोकर बुरा हाल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बिघापुर थाना क्षेत्र के रुझाई गांव की रहने वाली चंद्रभान सिंह की बता दें कि 28 वर्षीय के गाँव में बाहर ही खेत के गेहूँ के फसल के पास ये शव मिली थी। क्या नाम है आपका? पंकज। कैसे हादसा हुआ था? कौन थे आपके? जाजी। क्या हुआ था? कहाँ गए? खेत में, खेत की रखवाली कर रहे थे, जानवरों ने आक्रमण किया खेत से हुए। सुबह जब घर नहीं आए तुम लोग, तुम गए वहाँ से देखे मृत पड़े, जानवर ने सांड को। 3 बजे रात की घटना था? 3 बजे की। आप लोग कैसे सूचना? सुबह हमको 7 बजे मिली सूचना, जब हम लोग गांव यहाँ जब घर नहीं आए तो जब गए वहाँ से। कहाँ का मामला? ग्राम पोस्ट यही थाना बीघापुर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद अब्बास जुड़ गए हैं। मोहम्मद, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, एक किसान पर जानवर ने हमला किया और इस दौरान उसकी मौत हो जाती है, क्या कुछ मामला है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, बीघापुर थाना क्षेत्र के रुझाई गांव का ये पूरा मामला है, जहां ये चंद्रभान सिंह जो 58 साल का ये बुजुर्ग था, ये अक्सर जो अपने खेत में जो आवारा पशु हैं इनसे जो चाहे खेत चल जाते हैं, इनकी रखवाली इनसे किया करता था। अक्सर ये ठंडक में रात बिताता था वहाँ खेत में, अक्सर ऐसे रखवाली किया करता था, जहाँ ये आवारा पशु जो है वो आते हैं और इस जो है ये बुजुर्ग को इसको पटक देते हैं, और इसकी जो घायल हो जाता है ये बुजुर्ग, और इसकी इसी उपचार के दौरान इनकी मौत हो जाती है।
तो ये जो परिजन है ये आरोप लगाते हैं कि जो हमारे पशु हैं इनके लिए इनको मौत के घाट उतार रहा है। जो पोस्टमार्टम है वो होता है और जो पुलिस की जानकारी आती है उसमें भी ये आता है कि हाँ कि इनकी जो मौत है वो आवारा पशु से हुई है। जी अब्बास, जिस तरीके से जानवर ने किसान पर हमला किया है, क्या इस तरीके के मामले पहले भी हुए हैं? और अगर हुए हैं तो फिर वन विभाग की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की, उन्होंने जानवरों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जिसके वजह से जो जानवर है वो खेत में आ जाते हैं और वो किसानों पर हमला कर देते हैं? जी ये लापरवाही जो है ये वन विभाग की जो है वो सामने आती रही है। अभी बीते दिनों ये किसान की मौत हुई है जो अपनी खेत को ताक रहा था और उसको ये ठंडक, इतनी ठंडक में खेत ताक रहा था तो उसको ठंडक लग जाती है, उसके दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो पशु है इनकी कोई जो प्रशासन है जो आला अधिकारी है ये एक रोकथाम इनकी नहीं कर रहे हैं कि इनको पकड़ के गौशाला में बंद किया जा सके। तो ये पशु है ये इकट्ठा होकर के आते हैं, खेत सारे चल जाते हैं जिससे किसान काफी परेशान है, जो किसान जो रात में जाग रहे हैं और रखवाली कर रहे हैं। जी अब्बास साहब, इस मामले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है? जी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी पुख्ता इंतजाम इसके लिए नहीं किए गए हैं। जो आवारा पशु हैं वो लगातार जो है खेत चल रहे हैं, जहां तक कि हम लोगों ने अभी देखा है कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं जो किसी के खेत किसानों के चले जा रहे हैं आवारा पशु, और कहीं कोई घायल हुआ जा रहा है, कहीं रात में रखवाली करता हुआ किसान ठंड से उसकी मौत हुई जा रही है। तो ये लापरवाही है जो प्रशासन से अभी तक नहीं की गई है और इस पर जो अभी ध्यान दिया जाए तो जो जहाँ तक ठीक होगा, मगर अभी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया प्रशासन से। जी बिल्कुल आवाज सही कह रहे हैं आप, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, खेत की रखवाली करने के लिए किसान गया था और इस दौरान जिस तरीके से जानवर ने इसे पटक दिया और इस दौरान उसकी मौत हो गई है, यह कहीं ना कहीं एक तरह से ये देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं अब परिजन, उनके जो परिजन है जो जिसकी मौत हो गई है, मृतक के परिजन है, वो अब इस मामले को लेकर काफ़ी सदमे में है, रो रो कर उनका काफ़ी बुरा हाल है और ये कहीं ना कहीं वन विभाग पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ ही ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके से जानवर अगर खेतों में घुस जाते हैं और ये घटना अगर पहले घटना नहीं है, आगे भी इस तरह की घटना हुई है, तो इस तरीके की कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे उन जानवरों को अटकाया जा सके, जिससे जानवर वो खेत में ना आए, किसानों की फसलें भी बर्बाद होती है और किसानों की जिस तरीके से मौत हो रही है ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इस तरीके से किसानों, जो किसान अन्नदाता होते हैं, उनकी रखवाली फिर कौन करेगा अगर इस तरीके की लापरवाही देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका आवाज हमारे साथ जानकारी देने के लिए और बता दें कि ये उन्नाव का मामला सामने आया है जहां पर खेत की रखवाली करने के लिए जब यहाँ किसान पहुंचा था तो इस दौरान रात में एक जानवर वहां आ जाता है और उस जानवर ने किसान को पटक दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। जयपुर नगर पंचायत में जर्जर पड़ी सड़कों को लेकर स्थानीय लोगों ने पुनः निर्माण कराए जाने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत जयपुर का है जहां पर कई मोहल्ले में जर्जर पड़ी सड़कों पर और नालियों को लेकर स्थानीय लोगों ने पुनः निर्माण कराए जाने की मांग की है। वही कस्बा के निवासी मोहम्मद शमीम ने बताया है कि उसके मोहल्ले में ही काफी समय से सड़क के जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है जिसे अधिकतर लोग परेशान हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं और आपको बताया दे कि कई बार इस तरह की शिकायत की गई है लेकिन सड़क पर मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सड़क की स्थिति जर्जर अवस्था में है लेकिन अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर मोहम्मद अख्तर है। अच्छा, ये जो रोड है जी, क्या समस्या है इसके बारे में? अरे इसके समस्या का ये सब उखड़ पुखड़ गई है, इसे निकलते हैं लोग, दर्जनों लोग रोजाना चोटिल होते हैं इससे, गाड़ियां निकलना मुश्किल है, गिर जाते हैं, महिलाएं अक्सर गिर जाती हैं जगह पर, काफ़ी गंभीर चोटों की शिकार हुई वो। कौन सी नगर पंचायत है ये? नगर पंचायत जयपुर है। तो क्या यहीं की समस्या है या और भी रोड ऐसी है? अरे काफ़ी रोडें खराब है, कस्बे की बहुत ज़्यादा खराब है, ये भी उसी में आती है, ये भी खराब है, चूँकि ये मुख्य मार्ग है सफदरगंज रोड से जो है अंदर जाने के लिए, बड़ापुरा, छेदा कटरा, महदी कटरा, वसी नगर और इधर दमादन पुरवा, ये मुख्य मार्ग है, इससे निकलना लोगों का अक्सर होता रहता है, तो इसलिए अक्सर लोग निकलते हैं, दिन में सैकड़ों लोग निकलते हैं, हजारों गाड़ियां निकलती हैं जिसमें से दर्जनों लोग जो रोजाना चोटिल होते हैं, पक पक्का है, हम लोग रोजाना उठाते हैं, उनको गिर जाते हैं, ठेले वाले निकलना मुश्किल है, रिक्शे वाले को निकलना मुश्किल है, बिना धक्का लगाए वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समीर।
क्या रोड की समस्या है? रोड की समस्या ये है जो पेप पड़े हुए हैं, इसको खुदने से बहुत लोग चुटाते हैं और हम भी चुटाते हैं, हमारा हाथ भी टूट गया था। और हर पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा ऐसी निकलती है, इधर ज़्यादा निकलती है, सैकड़ों पब्लिक निकलती है रोड डेली चुटाने, लड़के चुटाते हैं हमारे महल्ले के और मोटरसाइकिल से लड़के भी चुटा जाते हैं डेली। कौन सी नगर पंचायत है? कस्बा जैतपुर। यहाँ चेयरमैन कौन है? रियाज। तो आप कुछ कहना चाहते हैं इस रोड के बारे? ये कहना चाहते हैं कि रोड जो नाली खुदी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अबू सलाम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बाराबंकी से। और जिस तरीके से ये सड़क की स्थिति हम देख रहे हैं अबू, इतनी जर्जर स्थिति है सड़क की, क्यों इस मामले पर कार्रवाई नहीं हो रही है और लोगों का क्या कुछ कहना था जब आपने उन लोगों से बातचीत की? तो देखिए आपको बता दें, बाराबंकी जिले के जनपद के नगर पंचायत जैतपुर का पूरा मामला है। यहाँ जो रोड सड़कें जो हैं बिल्कुल समझ बिल्कुल जर्जर है और हमको लगता है 10 साल से यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं रियाज, 5 साल रियाज अहमद रहे हैं, उसके बाद उनकी बहन चांदी भी चेयरमैन रही हैं और चेयरमैन प्रतिनिधि रियाज अहमद हैं इस वक्त। और अगर कोई जो है शिकायत लेके जाता है, नगर पंचायत भी लेके जाता है, लेकिन वो नगर पंचायत ईओ की तानाशाही से वहाँ कोई शिकायत सुनी नहीं जाती है। और रोडों का ये हाल है कि ये मान के चलो कि बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो गए, पूरी नगर पंचायत का हाल यही है और जनता से पूरे रोड ऐसी है कि गाड़ियों से लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं। चोट खाने के बाद जब जनता से हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि वही नहीं मामला, पूरी पाइपलाइन भी डाली गई थी, इससे पहले पाइपलाइन डाली गई थी, इंटरलॉकिंग पूरी खराब कर दी गई है, उसके बाद उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। और जब वहाँ के जो है अस्थायी नागरिक वहाँ जाते हैं तो वहाँ ये मान के चलो कि कोई सुनवाई नगर पंचायत में नहीं होती है। जी बिल्कुल अबू तलहा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं नगर पंचायत में किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है, वहाँ लोग पहुँचते हैं, इस तरीके से अगर नगर पंचायत की लापरवाही देखने को मिलेगी और इस तरीके से अगर लोगों की बातों को अनसुना किया जाएगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? इस मामले को लेकर आपके कोई बड़े अधिकारी से बातचीत हुई है? देखिए इसमें जो है हमने बात करने की कोशिश की, ईओ से बात करने की कोशिश की, लेकिन ईओ ने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, फोन काट के ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, बात नहीं कर रहे हैं। जब भी मैंने फोन पे कोशिश की, सामने कोशिश की तो मिलने से भी मना कर दिया, बाइट देने से भी मना कर दिया, जानकारी देने से पूरी तरह मना कर दिया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? और चेयरमैन प्रतिनिधि यहाँ जो है अपना ढिलोरा पीट रहे कि हमने ये काम कराया वो काम कराया, कुछ नहीं काम कराया। ये हम जब जमीनी स्तर से इसको देखने गए तो हमको बहुत सी ऐसी समस्या, नाले की सफाई नहीं हुई है, पैसा निकाल लिया गया है, नाले की सफाई नहीं हुई है, तमाम जगह अगर इसकी जाँच हो तो जाँच होने के बाद ये सब समझ लो दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा कि यो और जो है जैतपुर प्रतिनिधि की मिली भगत से ये सब हो रहा है। बिल्कुल अबू तला, जिस तरीके से आप कह रहे हैं बिल्कुल प्रतिनिधि यही तो करते हैं, वो जब समस्या होती है तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और जब उनको वोट की जरूरत होती है सरकार को तो वो हर बात के हर चीज के दावे करते हुए नजर आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब उसकी जमीन स्तर पर हम देखने जाएं तो वहां पर कोई काम नहीं हुआ होता है। जिस तरीके से लोगों की बातों को अनसुना किया जा रहा है और कोई किसी भी अधिकारी हो या किसी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, लोगों का क्या कहना है अब इस मामले को लेकर? क्या वो सड़कों पर उतरेंगे, क्या किसी तरह के वो प्रदर्शन करेंगे, या ये इस मामले को लेकर वो अब कहाँ जाएंगे और किस तरीके से इस मामले को वो सुलझाएंगे? अबू तलहा आवाज आ रही है आपको? चलिए बाराबंकी से हमारे साथ अबू तलहा हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और देखिए ये तस्वीर बाराबंकी की जहां पर इतनी जर्जर स्थिति है सड़क की। वहां पर हमारे संवाददाता जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस मामले को लेकर हमने अधिकारी से बात करने की कोशिश की, वहां के जो लोग हैं वो भी इस मामले को लेकर अधिकारियों से वहां बातचीत करने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये सड़क जर्जर स्थिति में बनी हुई है और इस
मामले को लेकर प्रतिनिधि जो है बड़े बड़े दावे करते हैं पहले जब, लेकिन जब जमीनी स्तर की बात हो तो यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। ये सड़क काफ़ी दिनों से जर्जर स्थिति में है, काफ़ी लोग यहाँ पर चोटिल भी हुए हैं और लेकिन इस सड़क को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी के जिला उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में एक गंगा पुल की छत पर चढ़कर नशेबाज युवक का हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि शुक्लागंज में एक नशेबाज गंगा पुल की छत पर चढ़ गया और घंटों घंटों हंगामा काटा। नशेबाज युवक का घर से पिता के साथ झगड़ा हुआ था और इस दौरान वे गंगा घाट के पुराने गंगा पुल की छत पर चढ़ गया और साथ ही आत्महत्या की धमकी देकर शोर शराबा करने लगा। इसके बाद से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ वहां जमा हो गई और लोगों की काफ़ी मशक्कत के बाद नशेबाज युवक को समझा बुझा कर नीचे उतारा गया है। बता दें कि ये देखिए तस्वीर में किस तरीके से यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। उन्नाव की ये तस्वीर है जहाँ पर बता दें कि एक युवक आत्महत्या की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और इस हाई वोल्टेज ड्रामा के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि उनके पिता से झगड़ा हो गया था जिसके बाद से वे ऐसे छत पर चढ़ गए और धमकी देते हुए नजर आए। अब खबर बाराबंकी से है जहां पर सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिसको हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है। सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत से राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर बाराबंकी ने खाद और रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा, जिला अधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक बाराबंकी और दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद बाराबंकी के सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के संबंध में जनमानस के प्रति बता दें कि जागरूकता लाए जाने को लेकर इस उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है और जिसको लेकर इसका शुभारंभ किए करते हुए नजर आए हैं लोग, हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया गया है। पद्मश्री राम शरण वर्मा के फार्म हाउस पर पहुंचे मनोज बाराबंकी के ग्राम दौलतपुर के पद्मश्री किसान राम शरण वर्मा की तकनीकी खेती में देखने के लिए कृषि उत्पाद आयुक्त उनके फार्म हाउस पर पहुंचे थे। कृषि उत्पाद आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने राम शरण वर्मा द्वारा की जा रही तकनीकी खेतों से रूबरू हुए हैं। वहीं राम शरण वर्मा द्वारा खेत में 56 इंच की क्यारी बनाकर आलू की उत्पाद किया जाता है। कृषि उत्पाद आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने अपने निरीक्षण के समय बता दें कि राम शरण वर्मा आलू की उत्पाद क्षमता के साथ ही उनके बाजार पर भी बातचीत करते हुए नजर आए हैं। वे हम लोग बाराबंकी में आए हुए हैं, यहाँ पे मेवालाल जी कुछ जी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है घास वगैरह उससे कुछ बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं और उसका किसान प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए। और फिर आज रामशरण वर्मा जी के यहाँ जो आलू उन्नत विधि से खेती की जा रही है उसको देखने के लिए। तो मेवालाल जी के यहाँ क्या देखा, क्या कर रहे हैं वो? वो जो घास वगैरह होता है जी उसको छोटा छोटा काट के और एक ड्रम में जी एक कल्चर इन्होंने डेवलप कर रखा है उसको यूज करते हैं जी। तो वो सारी चीजें डिकम्पोज होके और एक लिक्विड फर्टिलाइजर निकलती है जी। उस लिक्विड फर्टिलाइजर को किसान इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में, तो उससे यूरिया की रिक्वायरमेंट कम हो जा रही है और पैदावार अच्छी बढ़ रही है, फसल का क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहा है। तो उसका अन्य किसानों पर कैसे बढ़ाएं, क्या है आज इन्होंने कर रखा है इस काम को यहाँ के करीब 14 गाँव में। लेकिन हम लोगों ने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को ये रिक्वेस्ट किया है कि वो इसको पूरा डॉक्यूमेंट करते हुए इस विधि को, इस सिस्टम को, और फिर एक रिपोर्ट बनाए ताकि हम लोग इसको। अभद्रता होने पर किया गया विरोध, बाराबंकी स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सीएससी सिद्धौर में लेखा प्रबंधक के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की आशा बहुओं ने उठाई है। बता दें कि जनपद बाराबंकी के
मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशा बहुओं ने ज्ञापन देते हुए बताया है कि लेखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत विनोद कुमार मौर्य द्वारा आशा बहुओं के साथ हमेशा अभद्रता की जाती है और आशा बहुओं के साथ अश्लीलता और साथ ही शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उच्च रसूखों के चलते उनका ट्रांसफर रुकवा लेते हैं। मामला सर ये है कि जो है हमें 2021 में फरवरी से हमारा पूरा भुगतान नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करके कभी 1000 कभी 1500 ऐसे करके देते हैं और जब वहाँ हम जानकारी के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं मैम हमारे विनोद मौर्य कि वो हमारा कोई रोल नहीं है उसमें, और फिर जब किसी काम के लिए उनसे हम कहते हैं किसी भी पैसे की बात करते हैं या जेसवाई की बात करते हैं तो वो कहते हैं मुझसे ऑफिस टाइम में आके बात मत करो, सुबह शाम में आके हमसे बात करो और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं आशाओं का कोई पैसा नहीं डालूंगा। तो ज्ञापन कहाँ दिए हैं आप? ज्ञापन हम सीमो ऑफिस में भी दिए हैं और डीएम ऑफिस में दिए हैं। क्या वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा, ना दिसंबर में एको पैसा गया है और ना पैसा हमने पैसा के लिए दौड़ रहे हैं। कौन सी सीएससी है? सिद्धौर। अच्छा, तो ज्ञापन कहाँ कहाँ दिया आपने? ज्ञापन सीमो ऑफिस में सर को दिया है और डीएम साहब के वहाँ दिया है, दोनों लोग दोनों जगह हमने देख के आए। सीएमओ साहब या कुछ बोले आपसे बताया? सर बोले हैं कि हमारे अधीक्षक साहब से बोले हैं कि एक हफ्ते में पेमेंट होना चाहिए। वहाँ अधीक्षक कौन है? हरप्रीत सर। तो पैसा कौन रोका है? अब मौर्य सर रोके हैं पैसा। आशा बहुओं के साथ अभद्रता का ये मामला सामने आया है, लगातार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देती भी नजर आई है। आपको बता दें कि बाराबंकी की ये तस्वीर है जहां पर आशा बहुओं ने अपनी मांग उठाई है और साथ ही इस दौरान उन्होंने अभद्रता करने का भी और अश्लीलता साथ ही शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि अभद्रता करने के आरोप के साथ ही आशा बहू जो है ज्ञापन देती हुई नजर आई है और साथ ही बता दें कि प्रबंधक के पद पर कार्यरत विनोद कुमार मौर्य द्वारा आशा बहुओं के साथ हमेशा अभद्रता की जाती है, जिसको लेकर अब आशा बहुओं ने विरोध जताया है और साथ ही अभद्रता और साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और बाराबंकी में लगातार बता दें कि इस मामले को लेकर कार्यरत विनोद कुमार मौर्य जो है वे आशा बहुओं के साथ अभद्रता करते हुए नजर आते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हुए नजर आते हैं। आशा बहुओं को साफ तौर पर कहना है कि मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके बाद से अब वे आशा बहु जो है अपनी बातों को लेकर बातों को कहती भी नजर आई है और साथ ही मांग करती भी नजर आई है। और बता दें कि इस मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सीएचसी सिंधौर में लेखा प्रबंधक के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है आशा बहुओं की तरफ से। बता दें कि जनपद बाराबंकी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आशा बहुओं ने ज्ञापन देते हुए बताया है कि लेखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत विनोद कुमार मौर्य द्वारा आशा बहुओं के साथ अभद्रता की जाती है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिसके बाद से आशा बहुओं ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।